नमस्कार दोस्तों, टीवी समाचार 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपने लोगों के घरों और ऑफिस में लाफिंग बुद्धा को रखे हुए तो देखा होगा, पोटली के साथ, टोकरी के साथ, दोनों हाथों को ऊपर किए, बहुत सारे हाथों वाला, हाथों में माला लिए, कई अलग अलग प्रकार और आकार के लाफिंग बुद्धा तो लोग अपने पास रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कौन है और ये कहाँ से आए हैं? आखिर लोग क्यों इस हंसते हुए आदमी की मूर्ति को गुड लक के लाने के लिए रखते हैं? बुद्धिस्ट धर्म के ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग संसार की मोह माया छोड़ ध्यान में लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान की प्राप्ति कर ली है वह बौद्ध कहलाता है। महात्मा बुद्ध के कई शिष्य थे, जिनमें से एक जापान के होते थे। ऐसा माना जाता है कि जब होते ने ज्ञान की प्राप्ति की और तब वह जोर जोर से हंसने लगे, तभी से उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया लोगों को हंसाना और खुश देखना। होते जहां भी जाते वहां लोगों को हंसाते। इसी वजह से जापान और चाइना में लोग हंसते उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है लाफिंग बुद्धा। बाकी बौद्ध गुरुओं को भी की तरह लाफिंग बुद्धा के भी फॉलोवर्स ने उनके एकमात्र उद्देश्य को दुनिया में फैलाया। चीन में उनके फॉलोवर्स ने इस कदर प्रचार किया कि वहां के लोग लाफिंग बुद्धा को भगवान मानने लगे। वहां लोग इनकी मूर्ति को गुडलक के तौर पर घरों में रखने लगे। जिस प्रकार भारत में धन के देवता कुबेर को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार चीन में लाफिंग बुद्धा को सब कुछ माना जाता है। आपकी क्या राय है इस बात में तो हमें बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।